ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल टू अटेम्प डेली क्विज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल पीजीबल इन हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीन एस अकेडमी ट्वेंटी फोर्थ अक्टूबर के क्वीज का सोल्यूशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है थ्री रेस टू पावर टू एन प्लस टू माइनस एट एन माइनस के इज डिविजिबल बाय 64 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन इज वॉट तो सबसे पहले वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स पावर एन माइनस एन एक्स माइनस वन इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय एक्स बाय एक्स स्क् फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन ठीक है ये एक आपके पास फॉर्मूला होता है तो अगर मैं गिवन क्वेश्चन में पुट इसमें सॉरी इस फॉर्मूले में पुट एक्स इज इक्वल टू एट कर लू क्योंकि इस फॉर्म में बनाना है मुझे जो गिवन क्वेश्चन है तो वन प्लस एट टू पावर एन माइनस एन एक्स मतलब एट एन माइनस वन शुड बी डिविजिबल बाई एट स्केर मतलब सिक्सटी फोर क्लियर अब देखिए अगर मैं एन को चेंज कर दू एन प्लस वन से क्योंकि ऐसा अब देखिए ये कितना हो जाएगा ये नाइन हो गया और नाइन माइनस एट ये एन प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे एन प्लस वन माइनस एट शुड बी डिविजिबल बाय सिक्सटी फोर तो ऐसे लिख लेती ये शॉर्ट में फिर ये कितना हो जाएगा थ्री का स्क्वायर तो स्क्यर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा एन प्लस टू माइनस एट एन माइनस एट यहाँ पे वन था माइनस वन ठीक है और लास्ट थ्री टू एन प्लस टू माइनस एट एन माइनस नाइन ठीक है शुड बी डिविजिबल बाय सिक्सटी फोर अब देखिए इससे कंपेयर कीजिए अगर आप तो कितना है ये ये है आपका थ्री टू एन प्लस टू माइनस एट एन माइनस के इज डिविजिबल बाय सिक्सटी फोर तो आप के कितना आ गया आपके पास वही पूछा है के कितना आ जाएगा आपके पास नाइन आ जाएगा ये फॉर्मूला याद रखिए क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है सबसे पहले क्या करेगी इसमें अगर लिमिट पुट कर लेते हैं एक्सटेंस टू जीरो तो ये क्या हो जाएगा जीरो टू जीरो सीक्वेंस के टी 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 और यहां तो पता ही ये जीरो और साइन जीरो तो जीरो टू जीरो लिमिट है तो ये जीरो बन जाएगा और ये जीरो तो क्या बन रही है? जीरो बाई जीरो फॉर्म तो अगर जीरो, जीरो फॉर्म बनती है तो हम यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल जिसमें हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को दोनों को अलग अलग से डिफरेंशिएट करते हैं कैसे करते हैं लिमिट एक्सटेंस टू जीरो डिफ्रेंशिएशन ऑफ जीरो टू एक्स केयर सीक्वेंस स्केयर टी डी टी इसको डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्लियर है तो अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे क्या लगना लगाना पड़ेगा लेबनीज रूल लगाना पड़ेगा जिसमें क्या होता है कि हम अपर लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में देखिए सिकेंड स्केयर एक्स टी की जगह एक्स स्केर डाल दीजिए मल्टीप्लाई अपर लिमिट का डिफरेंशिएट अपर लिमिट को पुट किया फंक्शन में डिफरेंट मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करना है अपर लिमिट का माइनस सिमिलरली लोअर लिमिट पुट करिए फंक्शन में क्लियर और लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएट की करते हैं ओवर नीचे तो ऐसे ही आ जाएगा एक्स यहां से एक्स कॉमन ले लेते हैं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स यहां था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो क्लियर है इतना अब ये तो टू कॉमन ले लेंगे ये एक्स यहां तो वैसे भी जीरो ही होगा ये एक्स और एक्स क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे तो फाइनल क्या बचेगा टू लिमिट टेंस टू जीरो सीकेंड स्क् एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स वी नो दैट लिमिट टेंस टू जीरो साइन x बाय एक्स कितना होता है वो वन होता है क्लियर लिमिट पुट करनी है टू लिमिट पुट करूंगी यहाँ पे सीकेंडर जीरो प्लस ये बता दिया मैंने ये वाला ये कितना हो जाएगा वन हो जाएगा सीकेंड जीरो कितना होता है वन होता है और कॉस जीरो कितना होता है वन होता है फाइनल कितना आ गया टू बाय टू दैट मीन्स वन फाइनल आंसर इज वन नेक्स्ट है द कफिशियंट ऑफ एक्स टू पावर इन इन दिस एक्सपेंशन ये इजी है कैसे करेंगे वन प्लस एक्स को एज इट इज रखो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं बायनोमेल की थ्योरम से तो क्या हो जाएगा एनसी जीरो माइनस एक्स है क्या हो जाएगा नेक्स्ट प्लस एन सी वन माइनस एक्स तो जो माइनस एक्स है वो यहां लिख रही हूं मैं क्योंकि की पावर कितनी है ये वन है नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्लस एन सी टू माइनस एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्र ही रहेगा माइनस नाइन एन सी थ्री एक्स रेस टू पावर थ्री नेगेटिव थी तो वो माइनस लिख दिया क्लियर है एंड सो ऑन इसी तरह अगर मैं लिख दू यहां पे लास्ट एन सी एन माइनस एक्स की पावर एन इससे ठीक पहले क्या आ जाएगा क्या आ जाएगा एन सी एन माइनस वन x माइनस एक्स की पावर n माइनस वन आएगा कि नहीं बीच में क्या होगा प्लस होगा क्लियर तो ये क्यों किया अभी देखिए अगर मैं सिर्फ मुझे क्या चाहिए कफिशियंट चाहिए एक्स एन के तो मल्टीप्लाई ओनली फॉर वेयर आपका क्या बन जाएगा वेयर वी फाइंड एक्स रेस टू पावर एन तो एक्स रेस टू पावर एन फाइंड करने के लिए क्या पहले वन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे क्योंकि यहां से मुझे एक्सरेस टू पावर n मिल रहा है प्लस फिर इस x को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए देखिए यहां मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा एन सी एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन क्योंकि आप जब बेस सेम करेंगे पावर एडेड तो एक्स रेस पावर एन ही आ जाएगा इसको सॉल्व करते हैं कैसे हो जाएगा ये अब यहाँ पे नेगेटिव है मुझे x एक्स टू पावर n ही चाहिए तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस वन की पावर n ले, ले लेते हैं n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल और ये जीरो फैक्टोरियल मल्टीप्लाय एक्स टू पावर एन बच गया यहाँ पे प्लस एक एन सी इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल एन माइनस एन प्लस वन फैक्टोरियल क्लियर और ये वाला जो x है वो इसके साथ कैसे ले लेते हैं नेगेटिव तो हटाई दो पहले नेगेटिव कितना हो जाएगा माइनस वन की पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई x ये x है ये वाला और इसका जो x था x एड कर दिया मैंने बेस सेम पावर क्या कर दी एड कर दी तो यहां भी x रेस टू तो पावर कितना बचा n बच गया आपके पास क्लियर अब मुझे क्या करना है कफिशियंट चाहिए पहले सॉल्व कर लेते कितना हो गया ये n फैक्टोरियल कैंसल आउट एक्स रेस टू पावर एन प्लस एन ये हो जाएगा एन एन माइनस वन यहाँ कर देते कट N, N ये, ये बचेगा आपके पास एन बचा और नीचे कैंसल हो गया तो दैट मीन्स एन और साथ में क्या बचेगा माइनस वन एन माइनस वन और एक्स रेस टू पावर एन क्लियर अब मुझे क्या क्या करना है कफिशियन निकालने हैं कफिशियंट ऑफ x रेस टू पावर n, दिस वन एंड दिस वन तो minus वन n plus n minus वन n मल्टीप्लाई minus वन ऐसे लिख सकते हो इसको इसको तोड़ दिया हो गया क्या कॉमन ले लीजिए माइनस वन की पावर एन वन प्लस ये कॉमन आ गया एन ओवर ये कितना हो गया माइनस वन दिस वन क्लियर तो फाइनल इज ये तो बच गया और ये बचा वन माइनस एन आपका फाइनल आंसर माइनस वन की पावर एन दिस वन वन माइनस एन क्लियर है थ्री इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट ट्वेंटी पॉजिटिव इंटीजर्स द दैट सॉरी द प्रोबेबिलिटी दैट देर प्रोडक्ट इज इवन प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनका प्रोडक्ट कितना होगा इवन वी नो दैट प्रोडक्ट कब आता है इवन प्रोडक्ट इवन ओनली कब होगा वेन एट लीस्ट वन इंटीजर इज ईवन तो आपको पता है टोटल इंटीजर्स ट्वेंटी है उसमें से आपके टेन इवन हो गए और टेन ऑड हो गए हो गए की नहीं तो आपको क्या करना है थ्री इंटीजर्स चूज करने हैं आउट ऑफ ट्वेंटी तो दैट मीन्स क्या वे ट्वेंटी सी थ्री क्लियर है तो प्रोडक्ट इवन कैसे होगा इक्वल टू टोटल माइनस टोटल क्या हो जाएगा ट्वेंटी सी थ्री माइनस ऑल और कंडीशन और क्या हो जाएगी आपकी ये होगा आपका और कितने है टेन है उसमें से टेन सी थ्री क्लियर तो सिंपल था या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ले लो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोडक्ट ऑफ ई वन ट्वेंटी सी थ्री माइनस टेन सी थ्री ओवर टोटल ट्वेंटी सी ट्वेंटी सी थ्री कॉमन ले लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे वन माइनस टेन सी थ्री ओवर ट्वेंटी सी थ्री क्लियर और नीचे था ट्वेंटी सी थ्री तो कैंसल आउट और जो आपका बचा वो आप क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा वन माइनस टेन को थ्री टाइम्स मतलब टेन को पीछे ले जा, ले जाइए तीन बार क्योंकि नीचे तीन है दस नौ आठ और नीचे वन टू थ्री बचेगा वो नहीं लिख रही हूं मैं क्यों क्योंकि भी नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा सिमिलरली है या ट्वेंटी नाइनटीन और एटीन उसको भी थ्री टाइम्स तीन बार पीछे ले जाना था तो ट्वेंटी को नहीं लेना ले जाना ट्वेंटी नाइनटीन एंड एटीन ठीक है तीन बार पीछे ले जाना है देन नीचे वन टू थ्री आ जाएगा वो ऊपर वाले के वन टू थ्री से कैंसिल हो जाएगा क्लियर तो ये कितना हो जाएगा आपका टू जा फोर जा टू टूजा नाइन टूजा ये कैंसिल आउट फाइनल इज वन माइनस टू बाय नाइनटीन बचा तो दैट मीन सेवनटीन ओवर नाइनटीन आपका फाइनल आंसर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन ये दिया है तो so सबसे पहले हम क्या करेंगे वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा की पावर टू एन है ना तो so इसको ऐसे लिख लेते हैं अपॉन में लेके आई हुई इसको क्लियर अब रैशनलाइज करना है तो वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा की पावर वन प्लस आयोटा वन प्लस आयोटा से रैशनलाइज कर दिया साथ में टू एन इज इक्वल टू वन क्या हो जाएगा ये ऊपर ए प्लस बी का होल स्केयर नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्लियर पावर टू एन तो ये क्या हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू इंटू ए बी और ये माइनस आयोटा स्केयर कितना होता है माइनस वन होता है होल पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा टू एन इज इक्वल टू वन तो ये माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा और ये टू आयोटा ओवर टू की पावर टू एन इक्वल टू वन तो अब फाइनल क्या बचा आपका ये हो जाएगा आयोटा टू एन इज इक्वल टू वन दैट मीन्स आयोटा स्केयर की पावर एन होल पावर ऐसे लिख लेते हैं क्यों क्योंकि कितना होता है माइनस वन एन इक्वल टू वन तो अब देखिए अगर मैं एन की वैल्यू क्या पुट करू एन की वैल्यू अगर टू पुट कर देती हूं तब ये वन की इक्वल आ जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर आप देखिए खुद ही देखिए एन की वैल्यू टू पुट करूंगी तब ये किसकी इक्वल आ जाएगा वन इज इक्वल टू वन मतलब ये वन की इक्वल आ गया जो इस तरफ भी है तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजियर क्या है मेरा टू हो जाएगा क्लियर है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एन इज टू क्लियर आज के लिए इतना ही डेली क्विज अटेम्प्ट कीजिए और ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वेरी मच